हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। ज्योग्राफी में हम लोग देख रहे थे मिनरल रिसोर्स के बारे में। मिनरल्स में जो इंडिया में और वर्ल्ड में पाए जा रहे हैं, मेरे पास ऑब्वियसली ऑप्शन है कि मैं उस चीज को टाइप कर दूंगा वहां पर और आपको फटाफट दिखा करके आगे बढ़ सकता हूं। बट यहां पर याद नहीं होगा, मतलब बुक्स में भी आपको वो सारे के सारे माइंस देखने को मिल जाएंगे बट अगेन वो याद नहीं होगा। लेकिन अगर उसको आप एक बार सुन लेंगे, लिख लेंगे और एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आराम से वो सारे माइंस याद हो जाएंगे। थोड़ा सा टफ होता है इन सब चीजों को याद कर पाना, लेकिन अगेन यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपको याद ही करना होगा। फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर सम ऑफ द अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। तो रिसोर्स हमारी आती है सबसे पहले मैग्नीज के बारे में। तो मैग्नीज के बारे में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नीज एक्चुअली फ्री एलिमेंट के रूप में नहीं पाई जाती, ये जो होती है आयरन के साथ में कॉम्बिनेशन में पाई जाती है। जब भी आयरन पाए जाते हैं तो आयरन एक्चुअली पाया जाता है मैग्नीज के साथ में, और कुछ अदर भी इंप्योरिटीज होती है जैसे सल्फर के रूप में भी पाया जाता है, जैसे आयरन पायराइट यहां पर सल्फर कंटेंट दे देता है। सिमिलरली अगर बात करें तो आयरन के साथ ही हमें कुछ और भी चीजें मिल जाती है, जैसे गोल्ड हो गया या फिर सिल्वर हो गई और साथ ही साथ में निकल हो गया। तो बेसिकली ये जो तीन मिनरल होते हैं वो एक साथ पाए जाते हैं गोल्ड सिल्वर और निकल के रूप में। कभी कभी ये आयरन के साथ में भी पाया जाता है और कभी कभी इंडिपेंडेंटली भी पाया जाता है, लेकिन मैग्नीज सल्फर ये आयरन के साथ ही पाया जाता है। तो ये चीजें आपको याद रहनी, समझ में आ जानी चाहिए कि क्या कुछ यहाँ पर चीजें हैं, याद भी हो जाएगा इससे। तो मैग्नीज के रूप में अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट ओर जो आती है उसका नाम है पायरोलुसाइट। देखिए कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हिमेटाइट बताइए किसका ओर है, तो आप बता देंगे आयरन का है। सिमिलरली अगर पायरोलुसाइट के बारे में पूछ दिया जाए तो आप बता देंगे कि ये मैग्नीज का ओर है। मैग्नीज इज प्राइमरली यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इस तरीके से यहां पर चीजें यूज की जाती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? आगे अगर बात करें, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज और कि मैग्नीज आखिर में यूज क्यों किया जाता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री में। देखिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री को ये बेसिकली डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। इस डीऑक्सीडाइजेशन के कारण एक तो इसमें जंग नहीं लगती है नंबर वन, और नंबर टू इसकी टफनेस जो होती है वो बढ़ जाती है, मतलब इसकी हार्डनेस जो होती है वो थोड़ी और बढ़ जाती है। तो इस कारण से हम मैंगनीज इसमें मिला देते हैं। इट इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर मैनुफैक्चरिंग स्टील अलॉयज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हार्डनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग स्टील मिला देते हैं। यहाँ पर कुछ और भी चीजें दी हुई हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज ऑल्सो बींग यूज इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड, पेंट एंड बैटरी। तो इन सब चीजों में भी यूज किया जाता है। अगर हम लोग मैंगनीज के ओर के बारे में बात करें तो ओर देखिए इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है। सबसे पहले मतलब सबसे ज्यादा हाइएस्ट पाई जाती है वो जिम्बाब्वे में पाई जाती है। इसके कंटेंट के बारे में आपको याद नहीं रखना है। इंडिया वर्ल्ड में फिफ्थ लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना, गैबॉन, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। कुछ इंपॉर्टेंट जगह है हम लोग देखेंगे, यानी सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो पाई जाती है चाइना में। सीक्वेंस याद रखिएगा, ऑप्शन पूछ दिए जाते हैं। चाइना, चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे आती है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद थर्ड नंबर पे आती है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बाद में अगेन गैबॉन जो कि अफ्रीका की कंट्री है, साथ ही साथ में फिर इंडिया आ जाती है फिफ्थ नंबर पे और अल्टीमेटली फिर ब्राजील आ जाती है। तो ये बेसिकली सीक्वेंस है और सीक्वेंस को आपको याद रखना है। इंडिया में अगर बात करें तो वन सेकेंड लेट मी रीज इट, यस इंडिया में अगर बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ मेजर एरियाज हैं जहां पर हमें मैंगनीज ओर देखने को मिलता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अच्छी क्वालिटी का मिलता है और सबसे ज्यादा मिलता है। ओर के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं मैप पे कहाँ कहाँ है। तो सबसे ज्यादा हम लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र में कौन सा इलाका है? महाराष्ट्र में इलाके का नाम एक तो आपका नागपुर, जहाँ पे संतरे भी काफी ज्यादा पाए जाते हैं, और साथ ही साथ में भंडारा एक इलाका है। तो दिस इज बेसिकली भंडारा, भंडारा से आप याद भी रख सकते हैं, भंडारण यहाँ पर है। तो भंडारा भी इलाका है जहां पर हमें मैंगनीज काफी ज्यादा मिलता है। सेकंड नंबर पे पाई जाती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो बेसिकली जो माइंस हैं वो है बालाघाट एंड छिंदवाड़ा। तो बालाघाट एंड छिंदविन, छिंदविन नदी के किनारे छिंदवाड़ा पाया जाता है और यही जो है यहाँ पे ओर का रीजन है। नेक्स्ट आती है उड़ीसा। तो ये बेसिकली उड़ीसा, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट माइंस का नाम आप लोग याद कर लीजिए, जैसे एक है सुंदरगढ़, हम लोगों ने ये आयरन में भी देखा था कि सुंदरगढ़ में पाई जाती है, कालाहांडी में पाई जाती है। कालाहांडी के अलावा दूसरी जो है वो है कोरापुट। तो दीज आर बेसिकली सम ऑफ द माइंस जो इंपॉर्टेंट है और मैंगनीज में है। आंध्र प्रदेश में भी कुछ इंपॉर्टेंट माइंस के बारे में देख लीजिए। आंध्र प्रदेश में तो बेसिकली आपको दो इलाका जरूर याद रखना है, एक तो कुरनूल
और साथ ही साथ में आपको याद रखना है कडप्पा रीजन, तो दिस इज बेसिकली कुरनूल एंड कडप्पा। बाकी अगर कोई और भी याद आ जाए तो काफी अच्छा है, जैसे विशाखापट्टनम हो गया, गुंटूर हो गया, श्रीकाकुलम हो गया, तो ये भी याद रखिए। जैसे श्रीकाकुलम आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा पाई जाती है, और गुंटूर भी याद ही रखिएगा, तो इस तरह से यहाँ पर आंध्र प्रदेश भी हो जाती है। इसके अलावा कर्नाटक में भी पाई जाती है, कर्नाटक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे शिमोगा हो गई, शिमोगा इलाका हो गया, शिमोगा इलाके में ही जो है जॉग फॉल है, ठीक है। फिर उसके बाद बेल्लारी आ जाती है, बेल्लारी के अलावा हमें मिल जाता है चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग के अलावा तुमकुर। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट माइंस है जहां पर आपको मैंगनीज के रिसोर्स मिल जाएंगे। बाकी अगर वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि सबसे ज्यादा चाइना में पाई जाती है, एक नंबर पे हो गया, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, थर्ड नंबर पे साउथ अफ्रीका में है, और चौथे नंबर पे हमें गैबॉन में मिल जाता है। ये देखिए इधर गैबॉन, हालांकि नाइजीरिया में मैंने बना दिया है, गैबॉन इसी के वेस्टर्न साइड में आ जाती है। फिर इसके बाद से पांचवें नंबर पे इंडिया आ जाती है, और छठवें नंबर पे ब्राजील आ जाती है। तो ये इलाके हैं हमें मैंगनीज के। ट्रेड के बारे में अगर बात करें तो ट्रेड देखिए 4/5 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन जो है वो घरों में ही, मतलब कि अपने इंडिया में ही कंज्यूम कर लिया जाता है। एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग ड्यू टू द इंक्रीजिंग डोमेस्टिक डिमांड। देखिए ये कोई गड़बड़ चीज नहीं है, एक्चुअली क्या है, हमें रॉ मटेरियल जितने भी हैं उसको हमें एक्सपोर्ट करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग इस रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन करके काफी कुछ चीजें बना करके, मैन्युफैक्चरिंग करके, अगर हम तब एक्सपोर्ट करें तो हमें ज्यादा फायदा होगा, हमारे कंट्री को ज्यादा फायदा होगा, डबल फायदा है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के कारण से यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप होगी, लेबर फोर्स भी हमें प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि लेबर को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा। जापान जो है वो लार्जेस्ट बायर है, उसके पीछे सिंगल एंड सिंगल रीजन है क्योंकि जापान ऑटोमोबाइल सेक्टर और साथ ही साथ में रोबोट में काफी ज्यादा डेवलप कर गया है, लेकिन ये केवल और केवल टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट किया है, और उसके पीछे रीजन यही है कि जापान के पास में किसी भी तरीके का रॉ मटेरियल नहीं मिलता है। मतलब जापान को चाहे आयरन, चाहे मैंगनीज, चाहे निकल, चाहे कोबाल्ट, कुछ भी वो बाहर की कंट्री के से इंपोर्ट करना पड़ता है, ये लोग मंगाते हैं तब अल्टीमेटली बनाते हैं। अगर बात करें कि कौन कौन से बायर्स हैं तो यूएसए में मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है हम लोगों के द्वारा, ब्रिटेन में किया जाता है, जर्मनी में, फ्रांस। गोल्ड में अगर देखा जाए तो देखिए गोल्ड यूजुअली ये रॉक्स और मिनरल्स के द्वारा ही मिलता है। अब देखिए अगेन ये कहां से निकलती है, ये निकलती है अर्थ के क्रस्ट से, और ये अर्थ के क्रस्ट से बेसिकली किस तरीके से निकलती है, और ये निकलती है बेसिकली मैग्मेटिक इरप्शन के कारण से। तो मैग्मेटिक इरप्शन कभी हुआ होगा और इस मैग्मेटिक इरप्शन के कारण से जो इरोजन हुआ, विंड के कारण से, वाटर के कारण से, या किसी भी कारण से, इसके कारण से इलाके में, आसपास के इलाके में फैल गया। कौन सी चीजें? गोल्ड रिजोर्स। तो गोल्ड से रिलेटेड जितना भी चीजें था वो बेसिकली आसपास के इलाके में फैल गया, और अल्टीमेटली हम लोग एक्सट्रैक्ट करके गोल्ड को निकाल देते हैं। एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि गोल्ड के साथ में हमेशा सिल्वर और साथ ही साथ में निकिल भी पाया जाता है, इस वजह से आप लोग ध्यान रखिएगा यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कि ये तीनों एक साथ में चीजें मिल रही होंगी। तो इट इज फाउंड जनरली इन द सैंड ऑफ सेवरल रिवर्स, क्योंकि अगेन यही इरोड करके लेके आया रहता है। गोल्ड जो है वो इंटरनेशनल करेंसी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एसडीआर के माध्यम से जो हमारी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यूएन की करेंसी, वर्चुअल करेंसी है, उसके थ्रू हम लोग ये कमाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट माइंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक में पाई जाती है कोलार गोल्ड फील्ड हो गई, या फिर हटी गोल्ड फील्ड हो गई, या फिर रामगिरी गोल्ड फील्ड हो गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट गोल्ड फील्ड्स के नाम है। अगर इसके लोकेशन को देख लें हम लोग कौन कौन से जगहों पर गोल्ड पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमें कर्नाटक ही होती है। कर्नाटक में ही हमें बेसिकली वो तीनों जो माइंस हम लोगों ने देखा, एक तो हम लोगों ने देखा कोलार को लेकर के जिसपे मूवी भी बन गई है, इसके अलावा धारवाड़ के इलाके में भी मिल जाती है, साथ ही साथ हट्टी गोल्ड फील्ड के बारे में जो हम लोगों ने बात किया था, हट्टी में भी पाई जाती है, और हसन एक इलाका है यहाँ पर भी हमें गोल्ड पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में भी मिल जाती है। आंध्र प्रदेश में अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में हमें जो अभी हम लोगों ने बात किया था रामगिरी यहाँ पर पाई जाती है, इसके अलावा अनंतापुर इलाके में भी पाया जाता है। तो अनंतापुर, रामगिरी, ये दो इलाके हैं आंध्र प्रदेश में जहां पर हमें गोल्ड पाया जाता है। हालांकि झारखंड में भी कुछ इलाकों में पाया जाता है, दिस इज बेसिकली झारखंड, और यहाँ पर एक रिवर गुजरती है जिसका नाम है सुबर्णरेखा। तो इस सुबर्णरेखा से भी हमें गोल्ड के कुछ पार्टिकल्स मिलते हैं, हालांकि कुछ खास नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर सिंहभूम में भी मिलता है, सिंहभूम जो कि झारखंड में है यहाँ पर भी हमें मिलता है, और साथ में
सोना मिलता है, गोल्ड मिलता है, और इसी के नाम पे सोनापत वैली ही पड़ गया है नाम, सोनापत वैली। अगेन ये वैली सुबर्णरेखा रिवर के कारण से बनी हुई है, इसलिए इस इलाके में आ जाता है। इसके अलावा हमें कुछ पार्ट केरला में भी मिल जाती है। केरला में इलाके का नाम है पुन्हा पुझा, दिस इज बेसिकली PUNNA PUZHA, पुन्हा पुझा इस इलाके में मिलता है, और साथ में छाबियार पुझा भी इलाके में मिलता है। तो छाबियार पुझा, तो बेसिकली पुझा नाम से याद रखिए कि इस इलाके में है। आपको पता है कि महाराष्ट्र के इलाके में लुनार, मतलब लुनार लेक, मतलब कि यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ था और अल्टीमेटली इन सब इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस इलाके में आप देख सकते हैं कि जो रिसोर्स है वो ट्रैवल करके, ट्रांसपोर्ट होकर के, इरोड होकर के यहाँ पर पहुंच गया और अल्टीमेटली इस तरीके से हमें चीजें मिल रही है। क्लियर हो गया क्या चीज है? अगर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बात किया जाए, वर्ल्ड मैप में आ जाते हैं, वर्ल्ड में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पहले हम लोग बात करेंगे डिपॉजिट के संदर्भ में। तो हम लोग पहले अगर देखें कि डिपॉजिट कौन कौन से इलाकों में है, तो डिपॉजिट के लिए सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका में गोल्ड की डिपॉजिट्स हैं, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा चाइना करता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन वाइज ही देख लेते हैं या डिपॉजिट वाइज चले देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका हो गया, सेकेंड नंबर पे रशिया आ जाती है, साथ ही साथ लोकेट भी करते हैं। यहां पर हमारी साउथ अफ्रीका हो गई, सेकेंड नंबर पे हमें रशिया मिल जाती है, थर्ड नंबर पे हमें चिली मिल जाती है। तो चिली बेसिकली इस इलाके में, यहां पर चिली आ जाएगी। फिर उसके बाद इंडोनेशिया आ जाती है, तो इंडोनेशिया, साथ ही साथ में इंडोनेशिया के बाद में यूएसए आ जाता है। ये इलाका हो जाएगा हमारा डिपॉजिट की तरफ से। प्रोडक्शन वाइज अगर बात करें तो प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा होती है, अभी मैंने आप लोग को बताया कि चाइना सबसे नंबर वन पे है, तो चाइना नंबर वन पे आ जाएगी। सेकेंड नंबर पे साउथ अफ्रीका आती है, तो साउथ अफ्रीका सेकेंड नंबर पे आ जाएगी। थर्ड नंबर पे आ जाती है ऑस्ट्रेलिया, एंड फोर्थ नंबर पे आ जाती है रशिया। तो इस तरीके से बेसिकली प्रोडक्शन का थोड़ा सा फिगर है जो आपको ध्यान में रखना है। सिल्वर के बारे में अगर बात करें तो सिल्वर बेसिकली ये यूज किया जाता है केमिकल में या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, या फिर फोटोग्राफी में भी सिल्वर प्लेट की यूज की जाती है। इसके अलावा AGI का भी यूज किया जाता है बेसिकली क्लाउड को बनाने में, तो क्लाउड फॉर्मेशन में भी हम लोग इस सिल्वर का यूज कर रहे होते हैं। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि सिल्वर जो होता है वो गोल्ड के साथ ही मिलता है, इसलिए हम लोग एक साथ ही इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। द चीफ सोर्स ऑफ सिल्वर आर, यहाँ पर कुछ कह लीजिए कि ओर का नाम लिखा हुआ है, जैसे एजेनाइट, फिर उसके बाद से स्टेफेनाइट, पाइरे, गैराइट और प्रोस्टाइट। तो ये बेसिकली कुछ ओर्स हैं जिनको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिल्वर इससे निकाला जाता है। इट इज फाउंड मिक्स्ड विद सेवरल अदर मिनरल्स लाइक हो गई गोल्ड हो गई, लेड हो गई, कॉपर हो गई, जिंक हो गई, इनके साथ में मिलकर के ये पाया जाता है। साथ ही साथ में निकल के बारे में भी अगर हम लोग देखेंगे तो निकल भी इन्हीं सारे मिनरल्स के साथ में कंपाउंड नेचर में पाया जाता है। इंडिया इज नॉट अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड, मेजर यहाँ पर नहीं पाया जाता है। अगर बात करें कि इंडिया में पाई कहाँ जाती है, तो इंडिया में बेसिकली पाई जाती है जवार माइंस में, जो कि राजस्थान के उदयपुर एरिया में है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा सिल्वर पाई जाती है। इसके अलावा धनबाद इलाके में भी पाई जाती है, और कुछ सिल्वर जो है कोलार गोल्ड फील्ड, वहीं आपकी जो गोल्ड यहाँ से निकली है वहां पर भी पाई जाती है। बाकी झारखंड में भी हमें सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से मिल जाता है सिल्वर, वाइजैग आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। तो यहाँ पर लोकेशन देख लेते हैं कि कौन कौन सी जगह पे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने देखा कि राजस्थान में उदयपुर इलाके में काफी ज्यादा पाई जा रही है, तो उदयपुर में काफी ज्यादा हमें सिल्वर देखने को मिलती है। साथ ही साथ झारखंड के इलाके में भी हमें, धनबाद के इलाके में और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में हमें काफी ज्यादा ये सिल्वर देखने को मिलती है। वर्ल्ड में अगर बात करें तो वर्ल्ड में देखिए नंबर वन पे आती है पेरू, तो नंबर वन पे दिस इज बेसिकली यहाँ पर पेरू, इस इलाके में नंबर वन ये पेरू सबसे नंबर वन पे आ जाती है। सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो मेक्सिको आती है, तो बेसिकली ये इलाका है मेक्सिको और ये सेकंड नंबर पे आती है किसमें, सिल्वर के प्रोडक्शन में। तीसरे नंबर पे आती है चाइना और चौथे नंबर पे आ जाती है ऑस्ट्रेलिया। तो दिस इज बेसिकली द सीक्वेंस हियर। फिफ्थ नंबर पे हालांकि चिली आ जाता है, यही साउथ अमेरिका में ही, बट नॉट सच इंपॉर्टेंट, आप टॉप थ्री टॉप फोर ही याद रखिए, वो भी काफी हो जाता है। देखिए क्रोमाइट हो गया या फिर निकिल हो गया या कॉपर हो गया, बेसिकली इन तीन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये तीनों ही एक साथ ओर में मिलते हैं, मतलब एक साथ ये पाए जाते हैं, कोई भी इंडिपेंडेंटली नहीं मिलता है, सब मिल मिल करके इस तरीके से एक साथ में पाए जाते हैं। तो क्रोमाइट बेसिकली इज द ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड क्रोमियम, दिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमियम आयरन एंड ऑक्साइड, ठीक है। इट इज द ओनली इकोनॉमिक ओर ऑफ क्रोमियम, तो क्रोमियम जब भी हम निकालते हैं, अब क्वेश्चन ये होता है क्रोमियम यूज कहाँ किया जाता है, क्रोमियम यूज किया जाता है आयरन को स्टेनलेस स्टील बनाने में। तो स्टेनलेस स्टील जब बनाया जाता है तो उसमें हम लोग क्रोमियम का यूज
कर लेते हैं। इसके अलावा भी और कई सारे मिनरल में या फिर मेटलॉजिकल एलिमेंट में हम लोग इस क्रोमियम का यूज करते हैं। तो क्रोमियम बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्रोमिंग प्लेट से एंड अलाउइंग द प्रोडक्शन ऑफ कोरोजन रेसिस्टेंट। देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें यहाँ पर हम लोग इसको यूज करते हैं। बाकी मेटलर्जिकल एक्टिविटी में भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है। इट इज द ओनली इकोनॉमिक ओर ऑफ क्रोमियम। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख ही लिया है क्या चीज है, ठीक है। अगर हम लोग देखें इसके प्रोडक्शन के बारे में तो बेसिकली देखिए जो सबसे ज्यादा इलाका है वो पाया जाता है उड़ीसा। उड़ीसा में अगेन कुछ के इलाके के नाम हम लोगों ने ऑलरेडी देखा ही था, जैसे क्योंझर इलाका हो गया, यहाँ पर आयरन भी काफी ज्यादा पाया जाता है। कटक इलाका हो गया, यहाँ पर भी आयरन काफी ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा एक और नाम याद रखिएगा, धेन कनाल। दिस इज बेसिकली धेन कनाल, यहाँ पर भी क्रोमियम काफी ज्यादा पाया जाता है। बाकी कर्नाटक में भी हमें क्रोमियम देखने को मिलता है। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट माइंस हैं, जैसे एक इलाका तो हसन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ था, जो गोल्ड भी काफी ज्यादा पाई जाती है। बाकी मैसूर का इलाका है जहां पर हमें क्रोमियम देखने को मिलता है। बाकी हमें आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट माइंस नहीं है। फिर वही अगेन कुर्नूल हो गया, गुंटूर हो गया, विशाखापत्तनम हो गया, इन सारे इलाकों में ही क्रोमियम ज्यादा पाया जाता है। बाकी इसके अलावा मध्य प्रदेश के इलाके में भी पाई जाती है, फिर उसके बाद से झारखंड में पाई जाती है। झारखंड में जो इंपॉर्टेंट इलाके हैं वो है पूरा, इसके अलावा सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट हो गया, इन दोनों इलाकों में भी यही पाया जाता है। तो देखिए हमारे पास झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये कुछ इंपॉर्टेंट इलाके होते हैं जिनका नाम याद रखना है। बाकी राजस्थान में भी अरावली रेंज में पाई जाती है, तो अरावली रेंज भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर भी पाई जाती है। अगर हम लोग वर्ल्ड में बात किया जाए कि क्रोमियम कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो इसके बारे में अगेन हमारे काफी ब्रॉड लिस्ट हो जाती है। जैसे सबसे पहले हम लोग एशिया में बात कर लेते हैं, एशिया में हमें फिलीपींस में देखने को मिलती है। तो दिस इज बेसिकली फिलीपींस, आप लोग नोट करते रहिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हमें इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। इंडोनेशिया के अलावा हम लोगों ने इंडिया में तो बात ही कर लिया था कि इंडिया में मिलती ही मिलती है। चाइना में भी कुछ इलाकों में हमें क्रोमियम मिल जाती है, बाकी वियतनाम में भी मिलती है। ये वियतनाम, मतलब आप कह सकते हैं कि जो हमारी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं वहां पर हमें देखने को मिल जाती है। बाकी चाइना हो गई, अफगानिस्तान में भी हमें देखने को मिलता है, और साथ ही साथ में पाकिस्तान में भी मिल जाता है हमें क्रोमियम। क्रोमियम एक्चुअली क्या है, वर्ल्ड वाइड मिलती है, लगभग हर जगह मिल जाती है। बाकी रशिया तो है ही, रशिया में मिलती है, साथ ही साथ कजाकिस्तान में भी हमें मिल जाती है क्रोमियम। क्लियर हो गया क्या चीज है। बाकी साउथ ईस्ट मतलब यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला में, यहाँ पर भी ओमान में भी मिलती है, यूएई में भी मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में भी हमें क्रोमियम देखने को मिलता है। बाकी अगर अफ्रीका में बात करें तो अफ्रीका में इलाका जिम्बाब्वे में काफी ज्यादा मिलता है। जिम्बाब्वे के अलावा हमें मिलता है साउथ अफ्रीका और मेडागास्कर में। तो दिस इज बेसिकली द मेडागास्कर, यहाँ पर हमारी आ जाती है साउथ अफ्रीका, और इस तरीके से जिम्बाब्वे हमें नॉर्थ में मिल जाती है। नॉर्थ अमेरिका में बात करें तो देखिए कैनेडा में हमें मिलता है क्रोमियम, इसके अलावा यूएसए में भी मिलता है, और साथ में अगर बात कर लेते हैं साउथ अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका में हमें ब्राजील में मिल जाती है। तो ये बेसिकली द ब्राजील थिंग इज हियर, यहाँ पर हमें मिल जाती है। बाकी यूरोप में भी कुछ इलाकों में मिल जाती है, जैसे फिनलैंड में मिल जाती है, ग्रीस में मिल जाती है, अल्बेनिया मिल जाती है। तो एक तरीके से जो यहाँ पर ये यूगोस्लाविया वाली कंट्रीज हुआ करती थी जो पहले, तो यूगोस्लावियन वाली कंट्री में हमें क्रोमियम मिल जाती है। तो क्रोमियम के बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की। आगे बढ़ते हैं और जरा नए मिनरल के बारे में बात करते हैं, और जो नया मिनरल है वो है बेसिकली कॉपर। तो कॉपर के बारे में अगर बात किया जाता है, तो कॉपर काफी अच्छा एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में इसकी यूज करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि फैन है, या फिर एसी है, या फिर कूलर है, मतलब कुछ भी है, तो दो वैरायटी का आता है, एक होता है जो एल्युमिनियम वाला होता है, और दूसरा होता है जो कॉपर वाला होता है। तो आपसे कभी इलेक्ट्रीशियन या कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है उससे पूछेंगे तो आप एल्युमिनियम वाली सस्ती पाएंगे और कॉपर वाली महंगी पाएंगे। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम काफी सस्ता होता है और कॉपर काफी महंगा होता है। एल्युमिनियम काफी ज्यादा अवेलेबल है और कॉपर कम अवेलेबल है, ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पर रेट ज्यादा हो ही जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में काम की जाती है। इसके अलावा डिफेंस और ऑटोमोबाइल में भी इसका यूज किया जाता है। इसको आयरन और निकल के साथ मिला करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो यानी क्रोमियम प्लस निकल एंड सम पार्ट ऑफ कॉपर मिला दिया जाता है, और इस तरीके से ये स्टेनलेस स्टील कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर हो गया। इट इज टू बी अलॉयड विद द निकल टू फॉर्म मॉरल मेटल। देखिए ये जो यहां पर हम लोग बातें कर रहे हैं, कुछ और भी बातें आएंगी, ये सब पीसीएस एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। पूछ दिया जाएगा कि मॉरल मेटल
किससे मिलके बनाया जाता है, तो आपको बताना होगा कि यहां पर निकल पाया जाता है, निकल होती है, उसको मिला करके हम लोग ये बनाते हैं मॉरल मेटल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एल्यूमिनियम बना देते हैं, एल्यूमिनियम को मिला देते हैं, तो उससे ड्यूरल मिन बन जाती है। बाकी अगर जिंक के साथ मिलाएंगे तो वहां पर ब्रास मतलब ब्रॉन्ज मिल जाती है, टिन के साथ मिला करके और जिंक के साथ मिला करके ब्रास। ये सारी चीजें देखिए बेसिकली फैक्ट्स हैं और ये आपको याद करने पड़ेंगे, बेसिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपको याद करना है। कॉपर जनरली पाई जाती है एंशियंट इलाके में, जब बात करें तो रॉक फॉर्मेशन के दौरान में पाई जाती थी, और आज की डेट में बेसिकली ये बेडेड डिपॉजिट्स मतलब कि जो भी क्रैक्स और फिशर्स हैं उस इलाके में पाई जाती है। ये सारा का सारा वोल्केनिक इरप्शन के कारण से ही निकल के आया हुआ है, या फिर आप बोल सकते हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। तो फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग के कारण भी यहां पर पाई जाती है। तो यहां पर एक बात श्योर है कि जहां जहां पर भी हमें माउंटेन या फिर प्लेटू इलाका देखने को मिलेगा, या फिर जो जो इलाका वोल्केनिक इरप्शन का शिकार हुए होंगे, हर उस जगह पे हमें कॉपर देखने को मिलेगी। अभी हम लोग देखेंगे, भी समझ में भी आ जाएगा क्या चीज है। माइनिंग फॉर कॉपर इज वेरी कॉस्टली एंड टेडियस अफेयर बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉपर ओर कंटेन वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ मेटल। तो हमें काफी इनपुट डाल के काफी कम आउटपुट देखने को मिलता है, और उसी वजह से हम लोग ज्यादा इसकी माइनिंग नहीं करते, हम लोग इम्पोर्ट ही कर लेते हैं। मेजर सप्लाई कहां से आती है? मेजर सप्लाई आती है यूएस से, कैनेडा से, जिम्बाब्वे से, जापान से एंड मैक्सिको से। तो ये वो इलाके हैं जहां से हम लोग इनको इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से इलाके हैं जहां पर हमें कॉपर मिलता है। तो हम लोगों ने अभी बात किया था कि देखिए जितने माउंटेन इलाके होंगे या जितने प्लेटू पठारी इलाके होंगे या फिर कहीं पर अगर वोल्केनिक इरप्शन हुई होगी तो वहां पर हमें कॉपर देखने को मिलेगा। देख लेते हैं क्या मिल रहा है। देखिए सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में देखिए यहां पर बालाघाट रीजन है जो कि वेस्टर्न घाट का कह लीजिए कि एक्सटेंडेड पोर्शन है, या यहां पर हमें पन्ना मिल जाती है, तो वहां पर हमें ये मिल जाती है। तो ये मध्य प्रदेश में दो इलाके हैं, एक हो गई जो मलांज खंड हो जाता है, दिस इज मलांज खंड, एंड सेकेंड वन इज बालाघाट, और यहां पर हमें कॉपर मिल जाती है, तो दिस इज बेसिकली बालाघाट। देखिए इन सब इलाकों से इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, जिसके कारण से हमें और भी इलाकों में मिल सकता जरूर है, बट दीज आर द प्रेफर्ड एरियाज जहां पे हमें मिलना ही चाहिए। बाकी देखिए राजस्थान में अरावली हिल है, इस वजह से यहां पर भी हमें देखने को मिल जाएगा, तो यहां पर अरावली रेंज में मिल जाती है, अरावली रेंज। तो आपको एक कंसेप्ट भी समझ में आ रहा होगा कि आखिर में क्या चीज है। बाकी भिलवाड़ा हो गया, झुंझुनू हो गया, जयपुर हो गया, सीकर हो गया, उदयपुर हो गया, इन सारे इलाकों में पाए जाते हैं। ये सारे इलाके अरावली के ही आसपास हो जाते हैं, जैसे उदयपुर के बारे में ही सीकर हो गया, तो काफी ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इलाका है जैसे झुंझुनू, तो दिस झुंझुनू इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉपर के लिए ये मध्य प्रदेश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कॉपर इंडिया में सबसे ज्यादा कॉपर यहीं से निकाला जाता है। इसके अलावा पठारी रीजन छोटा नागपुर का पठार हो जाता है, छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड के इलाके में, और यहां से भी हम लोग काफी ज्यादा कॉपर निकालते हैं। यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट इलाके जो ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखे हैं, जैसे सिंहभूम का इलाका हो गया, या फिर हजारीबाग हो गया, या फिर पलामू हिल्स यहां पर पाई जाती है, तो पलामू हिल्स में भी हमें पाई जाती है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ माउंटेन इलाके प्लेटू और वोल्केनिक एरियाज में हमें इस तरीके से कॉपर देखने को मिल जाती है। बाकी अगर बात करें वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड हमें साउथ अफ्रीका में काफी ज्यादा देखने को मिलती है, तो साउथ अफ्रीका नंबर वन पे आ जाती है, सेकेंड नंबर पे आ जाती है जिम्बाब्वे, और थर्ड नंबर पे आ जाती है कजाकिस्तान। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली ये कजाकिस्तान है और यहाँ पर ये थर्ड नंबर पे आ जाती है। फिर आती है हमारी टर्की, टर्की हमें दोनों का बॉर्डर बना रही होती है, यूरोप और एशिया का, तो दिस इज बेसिकली टर्की, यहाँ पर हमें फोर्थ नंबर पे मिल जाती है, और बाकी फिनलैंड मिल जाती है, तो फिनलैंड हमें इस तरीके से यहाँ पर मिल जाती है। तो ये थी बेसिकली कॉपर के बारे में। बाकी आगे हम लोग देख लेते हैं निकल के बारे में। निकल में अगर देखेंगे तो निकल एक्चुअली ये भी फ्री नेचर में अवेलेबल नहीं है, तो किसके साथ मिलेगा? अगेन वही कॉपर, क्रोमियम, गोल्ड, सिल्वर, इन सब के साथ में ही निकल भी पाया जाता है। तो देख सकते हैं मिनरल्स के साथ में मिल रहा है, तो इट इज हार्ड एंड हैज ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इसी वजह से स्टेनलेस स्टील में इसको मिला करके हार्डनेस इसकी बढ़ा ली जाती है। कई सारी चीजों में यूज किया जाता है, जैसे बुलेट जैकेट्स या आर्मर जो जैकेट्स बनाए जाते हैं, या कह लीजिए कि जो ढाल बनाई जाती है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाए जाते हैं, उन सब जगहों पे ये सब नहीं मिलाया जाता है। तो कॉपर और निकल मिला करके, सिल्वर मिला करके कॉइन्स भी बनाई जाती हैं, जैसे पांच रुपए का जो पहले सिक्का आता था, आज की डेट में हालांकि सिल्वर की बनाई जा रही है, लेकिन पहले निकल की हुआ करती थी, निकल और कॉपर मिला करके बनाया जाता था। दो रुपए का सिक्का भी इसी तरीके से निकल कॉपर का था। तो निकल एल्यूमिनियम के अलॉय को भी यूज किया जाता है एरोप्लेन में, इसके अलावा इंटरनल कम्बस्टन इंजन में, या फिर कह सकते हैं जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंजन है वहां पर हम लोग निकल का ज्यादा यूज करते हैं, ताकि इसे
स्ट्रांग बनाया जा सके। इसके अलावा मेटालिक इन मिनरल का यूज हम लोग बैटरी में भी करते हैं और साथ ही साथ में कैटलिस्ट में भी कर लेते हैं। कैटलिस्ट मतलब कि जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, और ये बेसिकली हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में हम लोग निकल को यूज करते हैं। जैसे हाइड्रोजनेशन मान लेते हैं कि कोई भी कंपाउंड है, मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ही ले लेते हैं, इसका जब हाइड्रोजनेशन कर लेंगे तो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल के साथ में H2O2 इस तरीके से यहां पर ये टूट के निकल के प्रेजेंस में अल्टीमेटली हाइड्रोजनेशन इसकी हो जाती है। तो ये है बेसिकली। बाकी फैट ऑयल्स इन सब में भी, सोप को बनाने में, फूड स्टफ को बनाने में, इन सब चीजों में भी निकल का यूज कर लिया जाता है। अगेन किसके लिए? अगेन ये कैटलिस्ट के रूप में ही यूज हो रही होती है। इतना डिटेल हालांकि आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन खैर एक जानकारी रहेगी तो काफी अच्छा रहेगा। जानकारी होने से कॉन्फिडेंस काफी स्ट्रांग आता है। इंपॉर्टेंट अकरेंस ऑफ निकलीफेरस लिमोनाइट आर फाउंड इन सुकिंदा वैली ऑफ जादापुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। उड़ीसा में काफी ज्यादा पाई जाती है। हालांकि हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे कि कहां कहां पर हमें ये निकल पाई जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद से अगर बात करें और कहां मिलती है, तो हमें मिल जाती है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में। तो जहां जहां पर भी अगर आप देखेंगे कि आयरन या फिर क्रोमियम या गोल्ड सिल्वर ये सब पाई गई है, वहां पर हमें देखने को मिलती है। जैसे उड़ीसा में ही हो गया, इसके अलावा हमें कर्नाटक, केरल, राजस्थान, झारखंड, तो इन सब इलाकों में हमें मिल जाती है निकल। तो इसके लिए अलग से सेपरेटली देखने का कोई मतलब नहीं है, क्लियर हो गया। तो यहां पर इलाके ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखे हैं कि उड़ीसा के इलाके में, झारखंड के इलाके में, आंध्र प्रदेश के इलाके में, कर्नाटक के इलाके में, केरल के इलाके में, और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में, मध्य प्रदेश में, यहां पर हमें इंपॉर्टेंट इलाके हैं जहां पर हमें मिल जाता है निकल देखने को, क्लियर हो गया। तो ये थी बेसिकली आज की हमारी पूरी डिस्कशन। अगर आपको कोई डाउट होता है तो इन सारे चैनल्स का यूज करके हम तक रीच आउट कर सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।